हाल मावे का पहले हाल कैसे निवासी उनकी तरफ से 40 रुपए का व्यवहार। ये सुखलाल फासी यही के निवासी उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी। धन्यवाद। हेलो त्रिभुवन मौर्य की तरफ से ये 50 रुपए का व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। सारी जमी बदल के मेरे और सौंप चलना दिखे है। हेलो हेलो हो हाँ दुल्हा की बड़ी बहन जो अंबाला से आई हुई है उनकी तरफ से 200 रुपए का व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। चाची भुलवा चल के धीरज बढ़ा दे। हाँ भाई ये मौर्या जी दयाराम की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार। यार हमने गलती कर दिया, वो स्पेशल दिया है दुल्हा की बड़ी बहन ने अम्बा वाली ने 200 रुपए ये कंपनी मालिक को दिया है स्पेशल। पार्टी उन्हें हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। धन्यवाद। चित्ररेखा ने जादू के वश कर रखा, चित्ररेखा ने जादू के वश कर रखा जादू गर्मी के मारे। हाँ
कहा कि मंत्री बहन की तरफ से ये 100 रुपए का इनाम आ रहा है, पार्टी उन्हें स्वागत करती है। हाँ, दुल्हा की बहन जो कि मानधाता के पुरवा के निवासी हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम आ रहा है, पार्टी धन्यवाद और स्वागत करती है। ए बेटी, और जो ना इंदल को दे दे, ए बेटी, और जान तेरे काबू में तो तैयार। चाचा जी, हेलो, ये 50 रुपए का इनाम, पार्टी स्वागत एवं अभिनंदन करती है, धन्यवाद। हाय 50। सुनो, पहले बताइए चाचा जी, तुम्हें कुछ पता नहीं है? हेलो, आप कहाँ पे हैं? हाँ हाँ, दुल्हा के फूफा राजेंद्र कुमार जो कि गोविंदपुर के निवासी हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार और 20 रुपए स्पेशल इनाम पार्टी के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, राम नरेश गोविंदपुर के निवासी हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए का व्यवहार, पार्टी धन्यवाद। चाचा जी, आप मुझे तिरबाचा दें और कसम खाएं कि मैं यहां से ब्याह कर ले जाऊंगा, तब मैं इन्हें छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बेटी, अगर ये बात है तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खा के कहता हूं,
कि एक दिन मोहब्बत से डोला साज कर आऊंगा और इंदल के साथ साथ फिरे करा कर तुझे डोली में बिठा के मोहब्बत चलूंगा। ठीक है चाचा जी, आप इन्हें शौक से ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ इनके गले में एक ताबीज है, वो ताबीज सरहद के बाहर निकल जाओगे तो इनके गले के ताबीज तोड़ दोगे, ये मनुष्य रूप में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन चाचा जी भूलना नहीं, मैं वचन दे चुका हूं बेटी, मैं कभी इस वचन से वंचित नहीं हो सकता हूं, इसे पूरा करके ही छोड़ूंगा। आओ बेटा इधर। बेटा इंदल, हाँ तुम्हें बहुत जल्द मोहब्बत जाना होगा, लेकिन जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह जाओगे। मकरंदी, हाँ कहो। एक काम करो कि तुम बड़े भैया मलखान के पास इंदल को लेकर जाओ और उनसे बता दो सारी हकीकत, वो लेकर मोहब्बत इंदल को जरूर जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा करें कि सिरसागढ़ आप ही भैया मलखान के पास जाए लेकर। अरे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चले जाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप चले जाइए। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ नरवल के लिए। ठीक है, और इन्हें मलखान भैया को सौंप कर और आकर के मुझे नरवल में मिलो। ठीक है मकरंदी, मैं जाता हूँ बड़े भैया के पास। ठीक है, इंदर को लेकर आ बेटा। बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अंजाम भारी बड़े भैया खारे की जो अभिनंदन चित्रलेखा है वो जादू थे, इंदल को तोता बनाकर ले गई, लेकिन वहां से मुझे किस तरह उनसे पाया मैंने, उसने मुझसे तिरवाचा लिया है कि अगर चाचा जी इंदल की शादी मेरे साथ ना हुई तो सोच लो अच्छा नहीं होगा। मैं वादा करके आया हूँ बड़े भैया, इसे आप मोहब्बत लेकर जाएं और बड़े भैया से बोले
जो मैंने वादा किया है वो वादा पूरा किया जाए। और तुम्हें खबर जिस दिन से पाई और मुझे मैं देखा अब तो खाई उठते हैं कदम मेरे ना दिल कहता है जाने को ना उठते हैं कदम मेरे ना दिल कहता है जाने अरे वो आई नहीं आई दल आपको भाई भाई नहीं रहा। बड़े भैया अगर मेरी बात को मानो तो इंदल को आप लेकर जाएं ये बात मेरी माने। अगर इंदल को लेकर वहां नहीं जाओगे तो बड़े भैया जब देखेंगे तो आप जो कह रहे हो उन्हें मेरी याद आएगी और जब मेरी याद आएगी तब उन्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। इसलिए उन्हें एहसास करवाने के लिए आप ठीक है उदल तुम कह रहे हो इसलिए मलखान सिंह तगर से मुह भी जाएगा। हाँ भैया अन्यथा कब से मैंने सुना कि बड़े भैया ने हाँ ठीक है उदल बेटा हेलो हेलो कहना चाहता हूं आ गए अनिल मौर्या परैया निवासी जो कि इस समय लुधियाना में है। ये घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार और 100 रुपया हमारी कंपनी के लिए इनाम दे रहे हैं लुधियाना से भेज रहे हैं मोबाइल पर हमारे भाई साहब से पार्टी आशीर्वाद कामना चाहती धन्यवाद। चाचा जी आज जो कुछ भी मैं समझा के तुम्हें भेज रहा हूँ इतना ही करना। क्या समझा रहे हैं चाचा जी? मैं बता रहा हूँ बेटा मेरे जीवित होने की खबर किसी को नहीं होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वही कहना। ठीक है चाचा जी। और जब हो व्याकुल परिवार मेरी याद में और दिखा चिट्ठी देना महाराज को